पूरा पार्किंग देख रहे हो इधर एग्जैक्ट। हम लोग अभी सुरची बीच के गेट के बाहर खड़े, आपको यहाँ पर घोड़ा सवारी मिल जाएगा एंड ऊंट सवारी भी मिल जाएगा। मैं मोबाइल थोड़ा बाहर निकल सो गाइस, आज का क्लाइमेट एकदम बढ़िया है, सो ऑफकोर्स आज एक व्लॉग हो जाने चाहिए, सो स्टार्ट करते। हेलो वणक्कम नमस्ते नमस्कार अस्सलाम वालेकुम, दिस इज विवेक, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गोरे होकर विवेक। सो कैसे हो, देख रहे हो सीधा धूप मुंह पे। सो आज बारिश नहीं कुछ नहीं, क्लाइमेट एकदम अच्छा है। सो आज अपन एक अपना एक व्लॉग है, इनकम्प्लीट है तो उसको अपन आज कम्प्लीट करेंगे, जो सुरुचि बीच। तो सो अपन आज वो कंप्लीट करेंगे। अभी टाइम हो रहा है 2 बज रहा है, सब घूम कर आते हैं टाइम पे और अपन ये टाइम पे निकलते घर से। सो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते निकलते, क्योंकि लास्ट टाइम गए थे तभी बंद था बीच, इस बार ओपन रहेगा, तो चलो चलते। सो 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 अपना गाड़ी फंसा हुआ है इधर, कैसे निकालेंगे? ओह शिट, ओह नो, ओके ओके ओके, गणपति बप्पा मोरिया तो आना था। सो आज अपने साथ उमाकांत आ रहा है। सो लास्ट टाइम 3 जन आए थे, वो भी सस्पेंस सब, और इसको आज इस बार सस्पेंस नहीं, इसको मैंने कॉल करके बुला तो आ गया। अभी यहाँ से निकल रहे, देख सकते टाइम हो रहा है 2:30। सो चलो रास्ते में मिलते। ओके चलो फिर निकलते। सिग्नल तो अपन को यहाँ से राइट मारने का वेस्टर्न हाईवे पे। अपन अभी मलाड में कांदिवली बोरीवली दहीसर और दहीसर टोल प्लाजा मीरा वायंदर। गाइस फाइनली अपन आ गए। ये देखो ये रास्ता जो लास्ट व्लॉग में आए थे, सेम स्ट्रेट रास्ता एकदम। तो चाचा देखो पतंग उड़ा रहे पतंग। सो आजू बाजू में एकदम मस्त व्यू है यहाँ से। जो इनकम्प्लीट था अपना व्लॉग वो वाला जाके देखो, तभी बारिश हो रहा था, अभी एकदम क्लाइमेट एकदम मस्त है, धूप है। देखो आगे सामने देख सकते हो सूरज है, एकदम धूप है और बहुत बहुत बोले तो बहुत पब्लिक है, लग रहा है बहुत जन अंदर जाते हुए दिख रहे हम लोगों को, लग रहा है चलो आज आके देखते कैसा है। ओह सो देख सकते हो, अरे बाप रे कितना गर्दी है, देख बाइक अंदर जाता है मतलब। सो गाइस एग्जैक्ट हम लोग अभी सुरची बीच के गेट के बाहर खड़े, जो लास्ट टाइम आए थे देखो, बट लास्ट टाइम बंद था गेट, अभी चालू है। तो अभी यहाँ से अंदर जा सकते हैं बाइक लेके, सब गाड़ी रिक्शा भी जा रहा है, और यहाँ देख सकते हो कितना रिक्शा खड़ा है। लास्ट टाइम आए थे पार्किंग एकदम खाली था, अभी एकदम पार्किंग फुल भरा हुआ है, एक तो गाड़ी खड़ा करने के लिए जगह नहीं है। अभी अंदर जाके देखते हैं जगह है कि नहीं, चलो फिर चलते आगे। सो चलो अंदर,
बट पब्लिक देखो इधर कितना है, कितने जन आए देखो, ऐसा लग रहा है कि टूरिस्ट प्लेस है। हाँ टूरिस्ट प्लेस तो है ही, ये सब वाटर वाटर पानी स्प्राइट क्या क्या ठंडा विंडा सब लेके आए। सो चलो देखते हैं क्या सीन है। फुल भरा हुआ है बीच लग रहा है पूरा, तो व्लॉग बनाने मिलेगा कि नहीं पता नहीं, तो फिर भी अपन बनाएंगे। ओहो पूरा पार्किंग देख रहे हो, इधर एक भी गाड़ी नहीं था तभी हम लोग आए थे, तो इधर भी है दुकान वगैरह सब, हम लोग बाहर से सब लेके आ गए थे चिप्स वगैरह, इवन आइसक्रीम भी है यहाँ पर। सो बाइक इधर खड़ा करते, सो गाइस फाइनली आ गए। तो इतना क्राउड है इस बार, इतना क्राउड है बहुत ज़्यादा, अच्छे से ज़्यादा इधर, बहुत पब्लिक है और व्यू भी एकदम बढ़िया है यहाँ का। और अभी हम लोग अभी गाड़ी पार्क की इधर, और एक लाइन से खड़ा है गाड़ी पार्क, ऐसे लाइन से खड़ा है। सो वहाँ से अंदर जाएंगे, वहाँ पर फ्रिज जैसा बना हुआ है, उधर से जाने का फिर उधर, वहाँ व्यू थोड़ा अच्छा है, तो उधर जाते तो व्यू आपको दिखा था। एंड यहाँ से कोई तो रास्ता है, बाइक जा रहा है तो जाके देखते हैं बाद में। तो यहाँ पर बच्चे लोग का खेलने का गार्डन बिड़न है, यहाँ पर अपना भाई साहब खड़े। सो चलो फिर चलते हैं अंदर जाके देखते हैं। यहाँ का रास्ता थोड़ा है ख़राब है, यहाँ से पिक्चर विक्चर है पूरा भरा हुआ है। आप लोग को यहाँ पर सब शॉप्स वगैरह मिल जाएगा, पानीपुरी से लेके आइसक्रीम जो भी दाबेली वेली सब बहुत कुछ मिलेगा इधर आपको। सो बाहर से कुछ लेके आने की ज़रूरत नहीं, सब इधर ही मिल जाएगा। देखो ठंडा पानी ले लो, ठंडा पानी। सो इसको देखो कैसा बना हुआ है पाइप। सो थोड़ा यहाँ पर ट्रैफिक जाम होता है, आ गए बीच पे। सो एंड यहाँ पर साइकिलिंग भी कर सकते हो, देखो साइकिल वगैरह, साइकिल लेके आके साइकिलिंग पे अंदर कर सकते हो। अच्छा लास्ट टाइम हम लोग को रुका दिया था लेकिन इस बार नहीं। तो पूरा आँख पे सूरज आ रहा है, सूरज का रोशनी आ रहा है, तो इसको भी नहीं दिख रहा है कैमरा में क्या चालू है, कुछ स्क्रीन में कुछ दिख रहा ही नहीं है। एंड यहाँ पर क्या बेस्ट है, आपको यहाँ पर घोड़ा सवारी मिल जाएगा एंड ऊँट सवारी भी मिल जाएगा। देख लो जरा ऊँट सवारी और घोड़ा सवारी कैसा है। कितना है? पड़ेगा बच्चा से, पड़ेगा बच्चा से, हाँ बैठेगा ये बच्चा। चल आ रहा है बेटा। घोड़ा सवारी की है, इसको पूरा करने के लिए नहीं कर रहा है। मजा है लेकिन बहुत। एंड हेलमेट पहन के घोड़ा सवारी। सो और भी इधर इसका रेट है 50 रुपीज़ है बड़े लोग के लिए, बच्चे लोग के लिए 30 रुपये। देखो घोड़ा इसका कितना है देखने पड़ेगा, चलो पूछते हैं कितना है करके। कितना है भाई? 20 है बड़ों का, 30। अच्छा सेम उसका जैसा ही है क्या? अच्छा अच्छा ओके, सेम रेट है बच्चों का 30 बड़े का 50। भाई कितना है ऊँट का? कितना है? 50 रुपये। सो घोड़े ऊँट का भी सेम वही 50 रुपीज़ है, मतलब ऊँट का और घोड़े का दोनों का 50 है बड़े लोग के लिए, और बच्चों लोग के लिए 30 रुपये। सो आएंगे तो बहुत मजा आएगा इधर, सच में बहुत मजा। एक क्या बोल रहा है, देखो नेक्स्ट मंथ से हाथी का भी होएगा सवारी। सही था लेकिन बहुत मजा आया। घोड़ा सवारी 50 में कितना राउंड मेरे को मारा हो माँ? कम से कम 4-5 राउंड मारा देगा ना। अच्छा राउंड, 4-5 राउंड मारे मस्त में, मजा मस्त एंजॉय किया, आज का दिन अच्छा गया। और यहाँ का व्यू भी एकदम बढ़िया है, पीछे पेड़ वगैरह एकदम, पेड़ वगैरह उधर वो शुरू पेड़ बोलते ना, वो शुरू पेड़ वगैरह लाइन से उधर लगा हुआ है। एंड सो एकदम मस्त लग रहा है यहाँ पर, बीच में आकर एक पॉजिटिव वाइब आ रहा है इधर,
है तो है, अपन बचपन से बीच आएंगे तो पानी में तो चलना ही रहता है, तो अभी थोड़ा थोड़ा उतर के पानी में पैर भी दुबा के आते, थोड़ा है तो एंजॉय तो करने पड़ेगा ना। ये देखो इसके जैसा फोन में थोड़े लगे रहेंगे एनी टाइम फोन में, लगता है जूता खराब होने वाला है ना। ये देखो हार्ट बीट बना के रखे जाए। बहुत एंजॉय किया अंदर पानी में, पूरा तो भीग नहीं पाए, पूरा भीगेंगे तो घर पे नहीं जा पाएंगे। मन तो कर रहा है पूरा अंदर तक जाने के लिए भीगने का। धूप देखो सूरज शायद थोड़ी देर में सनसेट हो जाएगा और हम लोग वेट कर रहे सनसेट होने तक का। सनसेट होएगा तो और मजा आ जाएगा, आपको दिखा दूंगा सनसेट का। और यहाँ से बाहर जाते बाहर क्या है देखते, वहाँ से कोई रास्ता था तो वो रास्ता क्या है करके देखते जाके। तो ये जूते में पानी, जूते में पानी, पानी 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 लग गया। जूता पहन लेते फिर निकलते, जूता पहन के हो गया तो बाहर निकल देगा। तो मोबाइल जूता बाहर निकल। चलो फिर अभी टाइम हो रहा है 5:46, तो सनसेट भी अभी तक हुआ नहीं लेकिन हम लोग को लेट भी हो रहा है। सो अभी चलते गाड़ी के इधर, फिर उधर वो रास्ता है वो जाके देखते क्या है, देन निकलते घर पे। चलो फिर ये देखो 6 बजने आ रहा है, फिर भी देखो कितना क्राउड आ रही है आगे से सामने से। हाथ डॉगी है, इंसान नहीं डॉगी भी घूमने आता है। ओके ओके। सो हम लोग लास्ट टाइम यहाँ तक भी नहीं आए थे, वैसे निकल गए थे। अभी देखो अंदर तक जाके एंजॉय करके आए। सो सुरुचि बीच इज कम्प्लीटेड। सो चलो थोड़ा आगे और भी दिखाते हैं। देखो यहाँ से एक रास्ता जा रहा है, किधर है पता नहीं, और यहाँ से भी एक छोटा रास्ता जा रहा है, समझ जाओ। देख के आते हैं क्या रास्ता है, फिर निकलते वैसे घर पे, वीडियो भी एंड करते यहाँ पर ही। चलो फिर चलते आगे। तो चलो चलते हैं, अभी वहाँ जाके देख के आते क्या है। सब जा रहे तो अपन भी जाके आएंगे ना, आपको भी दिखाएंगे उधर क्या है। चलो चलो बैठो माँ, कुछ तो पॉइंट है। सो यहाँ पर कुछ नहीं है, बस यहाँ पर एक व्यू है अच्छा खासा, यहाँ से पूरा बीच दिखता है, सुरुचि बीच कुमा भी दिखता है। ओ देखो यहाँ का व्यू एकदम शांत प्लेस, एकदम अच्छा है। देन सामने सनसेट भी होने वाला है। यहाँ से भी एक जगह है तो अपन अंदर जाके दिख गया, तेरे को बैग निकाल लेते, चाबी भी सब भूल जाता हूँ। यहाँ पर कुछ तो है अंदर, सब जा रहे हैं, अपन भी आके देखते हैं क्या है। ओके एक ग्राउंड टाइप का कुछ तो अच्छा है, अच्छा मैदान है। वाह 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 क्या जगह है इधर, सही है मस्त प्लेस है। गाड़ी भी अंदर लेके आ सकते बाइक वगैरह, इधर क्रिकेट वगैरह खेल रहे इधर यहाँ पर। चलते चलो बाहर जाके वीडियो हैंड करेंगे। चलो 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 कुमार जल्दी आ, पुलिस आई भाग, हाँ जल्दी आ जल्दी आ जल्दी आ। लेफ्ट साइड में सनसेट हो रहा है, आपको वीडियो में इतना क्लियर नहीं दिख रहा लेकिन आप लोगों को इतना क्लियर दिख रहा है ऐसा सनसेट होने का नजारा। जूम करूंगा ना तो और फटेगा, इसलिए मैं नहीं जूम कर रहा हूँ क्लियरली, उतना क्लियर नहीं दिखे आपको। देखो देख रहा है दो, ऐसा लग रहा है कि कोई ऑरेंज ऑरेंज को ना ऐसे रखा है बादल के बीच में। तो फिर चलते।
सो सुरुचि बीच बाय बाय टाटा सी यू। देख क्राउड, देख कितना क्राउड है, गॉड वो कह रहा है सनसेट, सनसेट हो गया। एग्जैक्ट टाइम अभी 6:30 हो रहा है, 6:30 बजे एग्जैक्ट सनसेट हो गया। ऑफकोर्स रे। सो गाइस फाइनली सुरुचि बीच कंप्लीट हो गया। सो बहुत मजा है, बहुत एंजॉय किए। घोड़ा सवारी अगर आप भी आके करो, 50 रुपये ये ज़्यादा नहीं है और ऊँट सवारी भी उतना ही है। ख़त्म करते वीडियो, अब भी आके जाओ। और खाने पीने के लिए सब कुछ अंदर मिलेगा, सब अवेलेबल है अंदर, कोई टेंशन नहीं है। तो फैमिली टूरिस्ट प्लेस है, अच्छा है, आओ एंजॉय करो, मस्त प्लेस है। एंड बस इतना ही, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो एंड मेन सब्सक्राइब करके जाओ अपने चैनल को। बेल आइकन रहेगा उसको भी क्लिक कर दो, देन अपना जो अपकमिंग वीडियो, न्यू वीडियो आएगा, आपको लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन में फर्स्ट आपको देखने मिलेगा अपना वीडियो। सो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एज ऑलवेज नंदी, धन्यवाद, खुदा हाफिज़, थैंक यू, टाटा बाय, टेक केयर, लव यू गाइस। देख लो भाई का दिमाग, देख लो भाई का दिमाग, पागल हो गए, पागल बना रहे हो। किधर भी कैमरे की भगा दे रहा बंदा है। अच्छा ओके, ये सब मेहंदी है, आंटी लोग ले रहे मेहंदी, इसको छोरी बोलते हैं, कुछ भी बोलता है। एज ऑलवेज नंद्री, धन्यवाद।